नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज का यह क्लास तीसरा है और दोस्तों हमने ऑलरेडी पहले दो क्लास अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हम टूल और कटर ग्राइंडर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले रहे हैं और एक एक पॉइंट के बारे में हम अच्छी तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। इसलिए जो है दोस्तों आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और हम भी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है, आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 2024 के लिए यहाँ पर अभी से तैयारी चालू की है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी ट्रेड थ्योरी मजबूत होगी, जब आपके ट्रेड थ्योरी का नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेकर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसलिए जो है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज का यह हमारा तीसरा क्लास रहने वाला है। हमने इसके पहले जो है यहाँ पर टूल और कटर ग्राइंडर के बारे में बेसिक जानकारी ली, फिर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन, टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के बारे में देखा, फिर उसके बाद में हमने उसके पार्ट देख लिए, उसके बाद में हमने क्या देखा, टूल और कटर ग्राइंडर को वर्कपीस जो रहता है उसको कैसे माउंट करना, कितने डिग्री पर यहाँ पर कौन रखना चाहिए और क्लियरेंस कौन कितना होना चाहिए उसका। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बस कैसे हटाए जाते हैं, टूल और कटर ग्राइंडर का स्पेसिफिकेशन हमने देख लिया। अभी जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लैंपिंग डिवाइस, आंतरिक अटैचमेंट यानी इंटरनल अटैचमेंट, रेडियस ग्राइंडर, थ्रेड ग्राइंडिंग, टैप की थ्रेड ग्राइंडिंग, सिंगल रिब ग्राइंडिंग, मल्टी रिब ग्राइंडिंग, जिग ग्राइंडिंग, क्रीप फीड ग्राइंडिंग, गियर ग्राइंडिंग, ग्राइंडेबिलिटी होने के बाद जो है हम यहाँ पर कौन से मटेरियल के लिए कौन सा व्हील यूज़ किया जाता है, यह हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिवाइस कौन सा क्लैंपिंग डिवाइस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल वाइज का ड्रिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट, इसकी जो क्षमता होती है, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इसकी जो क्षमता होती है वह 3 mm से लेकर यहाँ पर 19 mm व्यास तक होती है और न्यूनतम लंबाई जो है यहाँ पर इसकी 75 mm से लेकर 75 mm तक होती है। ग्राइंडिंग के समय यहाँ पर आई प्रोटेक्शन आपको ज़रूर यहाँ पर पहनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ग्राइंडिंग के समय जो है यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इसके इससे जो है हमारी आँखों को यहाँ पर खतरा होता है। इसलिए जो है आपको ग्राइंडिंग करते समय यहाँ पर आई प्रोटेक्शन ज़रूर करना चाहिए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आंतरिक ग्राइंडिंग अटैचमेंट यानी इंटरनल ग्राइंडिंग अटैचमेंट, CNC टूल एंड कटर ग्राइंडर। देखिए यहाँ पर CNC में जो है पूरा ऑटोमेटिक होता है, जैसे आप यहाँ पर यह जो मैन्युअली करते हैं उसको जो है यहाँ पर सिर्फ प्रोग्राम देना होता है और यह जो है अलग अलग 3-axis 5-axis मशीन के अनुसार जो है अलग अलग एंगल में भी यहाँ पर यह जो है CNC टूल एंड कटर ग्राइंडर जो है यहाँ पर काम करता है। देखिए यहाँ पर आगे जो है रेडियस ग्राइंडर भी पूछा गया है, क्या है यह रेडियस ग्राइंडर, टूल पर रेडियस या रेडियस ग्राइंडिंग की सतह निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी टूल्स पर अलग अलग रेडियस, जैसे कि लेट टूल पर होते हैं रेडियस एंगल बनाना होता है, तो यहाँ पर इसका जो है रेडियस एंगल यानी रेडियस ग्राइंडिंग का उपयोग करके जो है यहाँ पर इस पर टूल का जो है यहाँ पर इस ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद क्या है, थ्रेड ग्राइंडर, थ्रेड ग्राइंडर में देखिए सिंगल व्हील ग्राइंडिंग और प्लंजर कट ग्राइंडिंग, यह भी हम आपको आकृति के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में हम जो है आपको आकृति के माध्यम से पूरा समझा देंगे। देखिए यहाँ पर थ्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इस ग्राइंडिंग मशीन का, व्हील के थ्रेड को आकार दिया जाता है, हेलिक्स कोण में व्हील को थोड़ा सा क्या किया जाता है, झुकाया जाता है और उसको जो है ग्राइंड किया जाता है। टैप की थ्रेड ग्राइंडिंग यानी ये यहाँ पर देखिए जो भी टैप होती है उसकी जो थ्रेड होती है उसको ग्राइंड करना है। देखिए अगर
यह जो है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यह एक क्या है जटिल काम है, यानी यह एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। यहाँ पर देखिए, अगर हम टैप घुमा रहे हैं M10 का, यहाँ पर टैप है, उसका कितना होता है पिच, 1.5 होता है, 1.5 mm पिच होता है। तो यहाँ पर इसका जो टैप है उसका आउटसाइड डाया जो है थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पर कितना मुश्किल हो सकता। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल रिब थ्रेड ग्राइंडिंग कैसे होती है। यहाँ पर यह जो टैप है, यहाँ पर यह क्या कर रहा है, सिर्फ सिंगल यहाँ पर एक थ्रेड को जो है कट कर रहा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मल्टी रिब थ्रेड ग्राइंडिंग कैसी होती है यह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्या क्या है यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें जो है यहाँ पर व्हील को ही आकार दिया जाता है, और यहाँ पर व्हील को आकार देकर ही यहाँ पर जो है मल्टी रिब थ्रेड की ग्राइंडिंग की जाती है। देखिए यहाँ पर इसमें कई थ्रेड पिच की क्रेस्टिंग फ्लैट एक व्हील पर ड्रेस किए जाते हैं, आमतौर पर आपस में 2 x पिच की दूरी पर प्रत्येक पिच वाले की तुलना में थोड़ा सा अधिक होना है, ताकि जैसे जैसे व्हील आगे पूरे थ्रेड को ट्रैवर्स करे प्रत्येक रिब थोड़ा सा अधिक गहरा काटे। इसलिए जो है यहाँ पर मल्टी रिब थ्रेड ग्राइंडिंग में जो है 2 x पिच की दूरी पर जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अधिक कट करने के लिए यहाँ पर उसकी रचना की जाती है। इसके बाद में क्या है, जिग ग्राइंडर। यह क्या है, देखिए यहाँ पर जब जिग डाई फिक्सर की फिनिशिंग करनी हो तो जिग ग्राइंडर के कई उपयोग है। इसका प्राथमिक कार्य छेद और पिन की ग्राइंडिंग करना है। यह जिग बोर्स की तरह प्रिसीजन लोकेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके आगे हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। क्वेश्चन आप जैसे करेंगे आपको जो है यहाँ पर और थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्रीप फीड ग्राइंडिंग, यह क्या होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्रीप फीड में व्हील के कट की गहराई जो है यहाँ पर 0.25 इंच तक होती है। वर्कपीस की स्पीड कम होती है। इसका उपयोग पंच, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लूट, विभिन्न जटिल सुपर एलॉय के पार्ट्स किफायती कर सकती है। यानी यहाँ पर इन पार्ट को जो है यहाँ पर ग्राइंडिंग करने के लिए क्रीप फीड ग्राइंडिंग का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए गियर ग्राइंडिंग, उच्च परिशुद्धता गियर बनाने के लिए आमतौर पर गियर ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है। फाइनल मशीनिंग प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। हॉबिंग द्वारा छोड़ा गया थोड़ा सा मटेरियल कट करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। कौन से, गियर ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्या है, मशीनिंग के बाद जो है यहाँ पर हॉबिंग द्वारा छोड़ा गया थोड़ा सा मटेरियल कट करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ग्राइंडेबिलिटी क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की क्रिया द्वारा वर्कपीस से मटेरियल हटाने में आसानी को ग्राइंडेबिलिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आगे जो है हम थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पर किस मटेरियल से जो है यहाँ पर कौन सा व्हील अच्छा है, यानी जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश। सीमेंटेड कार्बाइल मटेरियल की ग्राइंडिंग जो है यहाँ पर शुद्ध कार्बन व्हील से ग्राइंड किया जाता है। यानी देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी सीमेंटेड कार्बाइड की मटेरियल होता है उसका जो ग्राइंडिंग करना है तो उसका ग्राइंडिंग जो है यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड व्हील से है ग्राइंड करना चाहिए। दूसरा क्या है, जो कार्बाइड का जो यहाँ पर मटेरियल है उसका जो यह जो मटेरियल है इसका ग्राइंड करने के लिए व्हील कौन सा होना चाहिए, डायमंड का। देखिए डायमंड कितना महंगा होता है, तो डायमंड का जो है डायमंड महंगा भी होता है और कठोर भी होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जो है इसका उपयोग कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। हाई स्पीड स्टील के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रिट व्हील का उपयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील का यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रिट व्हील का उपयोग किया जाता है। हाई मध्यम हार्ड एलॉय प्लेन कार्बन स्टील, और देखिए यहाँ पर इसके लिए जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस व्हील का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट स्टील यानी एनिलीड प्लेन कार्बन स्टील का यहाँ पर ग्राइंडिंग करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस मटेरियल से बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और आखिरी में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम मिश्र धातु कि यहाँ पर ग्राइंडिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड ग्रिट बेल्ट ग्राइंडिंग से अच्छा यहाँ पर काम करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि रिब ग्राइंडिंग कैसे होता है, यहाँ पर सिंगल रिब ग्राइंडिंग, यहाँ पर
हमने अलग अलग यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन के टाइप्स देखे। यहाँ पर अगले वीडियो में हम इसके जो है क्वेश्चन और आंसर भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह बताने वाले हैं। इसलिए जो है अभी से जो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।